हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं अभी आई हूँ बाहर। अब मेरे यहाँ पे थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, आपके यहाँ पे कैसी है? अभी मैं आई हूँ बाहर पौधों को पानी देने के लिए, तो मैं आपको पौधे बताती हूँ। तो ये है हमारा ताज़ा धनिया, ये है बैंगन के पौधे, इसमें बैंगन लग भी चुका है, देखिए। ये है टमाटर के पौधे, इसमें ये देखिए टमाटर भी लगे हुए हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, ये देखिए इतने सारे लगे हुए हैं। तो इनको सुबह सुबह जो है वो पानी देना पड़ता है। ये इधर लगा हुआ है लहसुन, ये लहसुन की कलियां थी जो कि हमने इसमें मिट्टी में छोड़ दी है, तो ये इसके पत्ते चटनी वगैरह में बहुत बढ़िया। अभी मैंने पी ली है चाय, इनफैक्ट सभी ने पी ली है, तो अभी हम कर रहे हैं मॉर्निंग रूटीन पर। जैसे कि आपने कहा फ्रेंड्स, रसोई की जो है वो सफाई हो गई है। तो अभी मैं बना रही हूँ बड़ी और मेथी की सब्जी, तो मैं आपको भी रेसिपी बताती हूँ। एक कटोरी बड़ी ली है जो कि हमने घर पे बनाई है, अभी इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। कूट लिया है क्योंकि घर पे जो बड़ी बनाई होती है वो अच्छे से पकती नहीं है जल्दी से, तो इसको मैंने कूट के बारीक कर लिया है। अभी इसको हम थोड़ा सा तेल में सेक लेंगे जिससे ये क्रंची हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगेगी इसकी सब्जी। तो पहले एक कढ़ाई रख लेंगे, ऐड करेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं करना है। और अभी ये बड़ी डाल देंगे, इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें ऐसे ही चलाना है, थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। जब आप इसको तेल में ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो बड़ी की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जो सब्जी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये मेरा अपना तरीका है, इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। हमारी बड़ी सिक चुकी है, देखिए। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, जैसे सिक चुकी है हमारी बड़ी। हम इसी कढ़ाई में जो है अभी वापस से तेल ऐड करेंगे, चम्मच तेल डाल देंगे हम। ये है मेथी, इसको मैंने अच्छे से साफ करके
बारीक काट लिया है और साथ में इसको वॉश भी कर लिया है अच्छे से धोकर। तो हम इसको अभी सब्जी में ऐड करेंगे, जीरा डाल देंगे, लहसुन। अभी ऐड करेंगे हम इसमें मेथी, डाल देंगे तो तीखापन भी आ जाएगा सब्जी में, क्योंकि मेथी थोड़ी सी खारी होती है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे हम मसाले, मिर्ची एक चम्मच, ये नमक नाप पर चलेंगे, थोड़ी सी हल्दी और ये धनिया पाउडर। अच्छे से फ्राई होने देंगे हम, पहले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मिर्ची और मसाले जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी हमें पानी अंदाजे से डालना है, क्योंकि हमारी बड़ी है जो पकने में टाइम लेगी, उसको पानी भी चाहिएगा। अगर दो मात्रा में तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालना है उसको। जब बड़ी पक जाएगी तो पानी अपने आप ही कम हो जाएगा। उसको उबाल आने तक हम छोड़ेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे बड़ी। अभी जो है वो सब्जी में उबाल आ चुका है, तो हम इसमें ये बड़ी ऐड कर देंगे। इसको लो फ्लेम पे पकाना है हमें, लो फ्लेम पे इसको करके छोड़ देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट में जो है वो तैयार हो जाएगी। तब तक ये सब्जी पक रही है, तब तक हम लगा लेते हैं आटा। गरम मसाला एमडीएच का थोड़ा सा, तो इसको चला लेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, फिर जरूर ट्राई करना एक बार। तो अभी हम बनाएंगे रोटी। ये हमारा मसाला बन गया है। रोटी लगाने से पहले 10 मिनट के लिए आटा लगना चाहिए, बहुत ही अच्छी रोटी बनेगी, एकदम फुली फुली। इसको खोलना है क्या? अभी के लिए मैगी अभी वेट कर रहा है कि मेरी कब मैगी बने, कब मैं खाऊं। बन रही है बेटा। अभी
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रेंड्स तो अभी हो गया सारा घर का जो डेली रूटीन वर्क होता है वो सब कुछ हो चुका है। तो अभी है बारी ये पार्सल खोलने की। मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो आइए देखते हैं क्या है।